दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भारत जांगिड़, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज हमारे पास है बोस का 6100 हैंड ग्राइंडर, जिसकी प्रॉब्लम दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो इसका ये एयू वाशर और स्पैंडल काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, और लगता है इसका बैरिंग श्योर है कि बिल्कुल टूटा हुआ होगा, जो कि इसकी पीवीसी डब्बी जो इसकी होती है उसके अंदर जो बैरिंग लगा होता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो इसकी गेयरबॉक्स की जो डब्बी है इसको खोलकर अलग कर लेंगे, जिसमें चार पेच लगे हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई जानकारी आपसे मिस ना हो, छूटे नहीं। तो दोस्तों पूरे चारों पेचों को हम खोलने के बाद में चेक करेंगे और बताएंगे आपको कि इसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और किस टाइप से हमें ठीक करना है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। तो ये देखिए, हमने जो इसका बड़े वाला गेयर है उसकी डब्बी को खोलकर अलग कर दिया है बिल्कुल, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग कर दिया हमने। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा प्ले कर रहा है दोस्तों। इसके अंदर डब्बी के अंदर जो 6201 नंबर का बैरिंग लगा हुआ है, जो कि फिक्स होता है बिल्कुल ये पीवीसी डब्बी के अंदर, तो उसको हम निकालने के लिए दोस्तों इस टाइप से एक नीचे की तरफ बूश लगाएंगे और ऊपर से इसको ठोकेंगे। तो दोस्तों इसको चलिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है अगर क्वार्टर पिन का ये जो गेयर होता है 801 ग्राइंडर का भी, इसी टाइप से हम निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे पास इस टाइप से इसमें होल है नीचे, जो हमारा ये बेस रखा हुआ है लोहे का, जो कि काफ़ी हैवी है। तो दोस्तों इस टाइप से काफ़ी आपको लगभग 2 kg का जो हैमर है उससे आपको ठोकना है, दो चोट के बाहर, मात्र दो चोट में ही। ये देखिए जो गेयर है हमारा स्पैंडल से, तीनों आइटम हमारे अलग हो जाएंगे, स्पैंडल, गेयर और इसकी जो डब्बी बैरिंग है, तीनों जो स्पेयर है इसके बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, देखिए काफ़ी आसानी से। तो दोस्तों पुलर वगैरह से ये जो बैरिंग है निकलता नहीं है, ये देखिए बैरिंग बिल्कुल, बॉल भी इसकी बिल्कुल दिखाई दे रही है, पूरा बैरिंग इसका डैमेज है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसमें जो एल्युमिनियम वाली जो डब्बी होती है हमारी, उसको यूज करके उसमें अलग से आप 6201 नंबर का बैरिंग डाल सकते हैं। बाकी हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों ओरिजिनल बोस का, ये देख पा रहे हैं जो इसका स्पेयर पार्ट्स के अंदर जो डब्बी है आपको लगभग 180 रुपये के अंदर मार्केट में आपको होलसेल प्राइस में मिल जाती है। तो दोस्तों जो इसकी लाइफ है काफ़ी अच्छी होती है, तो चलिए हम ओरिजिनल जो इसकी ये देख पा रहे हैं जो डब्बी पूरी कंप्लीट इसको चेंज करेंगे। और बैरिंग दोस्तों इसमें देखिए जो बैरिंग है इसका बिल्कुल लगा होता है अंदर, 6201 नंबर का फिक्स होता है। और ये देखिए जो यहाँ पे एक रिंग लगी होती है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो पुरानी वाली जो हमने इसमें से डब्बी रिमूव करी है उसके अंदर होगी, उसको हम इसमें वापस से लगा कर और इसको सेट करके आपको बताएंगे किस टाइप से आपको लगाना है। वरना आप इसको, ये देखिए रिंग इसके अंदर से हमने पुरानी वाली जो डब्बी है उसके अंदर से रिंग को निकाल लिया है, और नई के अंदर यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल सील कर देती है इसको, कोई भी ग्रीस या ऑयल हल्का फुल्का भी इसको बाहर नहीं आने देता है, चारों तरफ से बिल्कुल सील कर देती है। तो दोस्तों इसको ज़रूर लगा लेना है आपको कभी भी आप जो इसका जो डब्बी का बॉक्स आप रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए स्पैंडल, इसमें जो वाशर होता है लोहे वाला, ये आपको काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों, जो कि बैरिंग को बिल्कुल, बैरिंग की लाइफ इस वाशर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बैरिंग का एक तरह से गार्ड है, तो इसको लगाना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों स्पैंडल को इस टाइप से लगा लेना है आपको, ऊपर से आपको जो बड़े वाला गेयर है उसको यहाँ पर इस टाइप से सेट कर लेना है। उसके बाद में आपको इस टाइप की कोई रिंग लेनी है जो कि गेयर की जो हमारे ग्रुप है उस पर टच ना करे बिल्कुल भी, जो कि बिल्कुल यहाँ पर इस टाइप से, और ऊपर से ठोकने के लिए दोस्तों ऐसा आपको कोई पीस लेना है जो कि चूड़ी पर टच ना हो और बिल्कुल ये नीचे यहाँ पे जहाँ पे हमारे एयू वाशर सेट होते हैं वहाँ पे टिक जाए, और इसको हम ऊपर से ठोकेंगे तो ये काफ़ी आसानी से दोस्तों सेट हो जाएगा। तो आपका इसमें क्या है कि डब्बी और गेयर कोई भी आपका डैमेज नहीं होगा, काफ़ी आसानी से पूरे तीनों आइटम एक जगह सेट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको सेट करने के लिए हम बिल्कुल नीचे बेस पर ला चुके हैं, और इसको इस टाइप से पकड़ लेंगे आप और ऊपर से इसको ठोक लेंगे। तो दोस्तों पूरा ठोकने के बाद में देखिए दो या तीन चोट मारने पर पूरा सेट हो चुका है पूरा सिस्टम हमारा, ये देख पा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका है। इसी टाइप से सभी जो 801 और 6100 ग्राइंडर होते हैं ज़्यादातर इसी टाइप से करना होता है, क्योंकि इसमें जो क्वार्टर पिन होती नहीं है तो गेयर काफ़ी। तो दोस्तों मशीन को एक बार चलाकर चेक कर लिया है, यहाँ पर मशीन बिल्कुल ओके रन कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मशीन के अंदर, अंदर के बैरिंग वगैरह ठीक है। तो चलिए देख पा रहे हैं मशीन बिल्कुल।
दोस्तों। दोस्तों डब्बी को लगाने से पहले हमेशा मशीन को एक बार चेक कर लेना है, जिससे कि आपको पता लग जाए और कोई साउंड तो नहीं है मशीन के अंदर। तो चलिए इसके बाद में, तो दोस्तों गियर को ही हम ग्रीस के डब्बे में डाल दिया है ताकि हाथ नहीं करना पड़ेगा इसमें। तो इसके बाद में दोस्तों ये देखिए, जो इसकी ये देखिए स्पेसर है, ये ज़रूर लगा लेना है आपको, जो गियर को अप डाउन करने के लिए लगाया होता है। तो दोस्तों इसमें हमें वापस से इसमें दो स्पेयर लगाए हुए हैं, जो दो स्लीव हैं इसकी, तो दोस्तों उनको लगा कर से वापस से हमने यहाँ पे जो पूरा गियर की डब्बी है उसको यहाँ पे काफ़ी आसानी से दोस्तों ये सेट हो जाएगी। चारों पेचों को यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था, आपको कंप्लीट नॉलेज मिले कि इस टाइप के ग्राइंडर की जो डब्बी का बैरिंग होता है उसको आप आसानी से किस टाइप से निकाल कर और वापस से सेट करेंगे। तो इसके लिए तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों हमारा जो ग्राइंडर है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चलिए एवी वाशर भी इसके हम यहाँ पर लगा कर सेट कर देते हैं, उसके बाद हम मशीन को चला कर चेक करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लें। तो ये देखिए मशीन हमारी काफ़ी साइलेंटली और काफ़ी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से रन कर रही है दोस्तों, ये देख पा रहे हैं बिल्कुल। तो मशीन का जो बैलेंस है वो भी देख पा रहे हैं, मशीन को बिल्कुल हमने फ्री छोड़ दिया है और चलती हुई मशीन बिल्कुल साइलेंट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए बने रहें चैनल पर लगातार। मिलते हैं इसी टाइप की किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।